राजा और तोता की कहानी। एक समय की बात है, किसी एक राज्य में हरिशंकर नाम का राजा राज करता था। उस राजा के तीन बेटे थे। उसकी ख्वाहिश थी कि वह उसका सबसे काबिल बेटा उसकी राजगद्दी संभाले, लेकिन वह इस बात लेकर संशय में था कि तीनों में से किसे वह अपना राजपाट सौंपे। एक दिन राजा को एक तरकीब सूझी। उसने उसी समय अपने तीनों बेटों को बुलाया और कहा, बेटे, आज मैं तुम सबसे एक सवाल पूछता हूँ। अगर तुम लोगों के सामने एक गुनेगर खड़ा हो तो तुम उसके साथ क्या करोगे? इस पर राजा के पहले बेटे ने कहा, उस अपराधी को सजाए मौत दी जानी चाहिए। वहीं दूसरे बेटे ने कहा, गुनेगा को कालकोठरी में बांध देना चाहिए। जबकि तीसरे बेटे ने कहा, पिताजी, हमें उसे सजा देने से पहले इस बात की जांच करनी चाहिए कि उसने सही में अपराध किया है या नहीं। इस पर राजा के तीसरे बेटे ने सभी को एक कहानी सुनाई। एक राजा था जिसके पास एक बुद्धिमान तोता था। एक बार उस तोता ने महाराज से कहा, मुझे अपने माता और पिताजी के पास जाना है। राजा ने उसकी बात नहीं मानी, लेकिन तोता ने हार नहीं मानी। वह लगातार महाराज से जिद करने लगा कि मुझे माता पिता के पास जाने दें। अंत में राजा ने तोता की बात मान ली और कहा, ठीक है, तुम अपने माता पिता से मिलकर आओ, लेकिन वहाँ ज्यादा दिन नहीं रुकना।